हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम सब आए हैं तुलजापुर माता तुलजा भवानी के टेंपल में, जो है उस्मानाबाद जिला में महाराष्ट्र में। तो चलिए दर्शन लेते हैं। तो जाने से पहले हम लेते हैं हल्दी कुमकुम। अरे देना, तो हमने हल्दी कुमकुम ले लिए। ये है साड़ी की शॉप पर, हम नहीं लेंगे साड़ी। तो वहाँ पर टिकट्स मिलते हैं, तो हम टिकट्स भी लेंगे। यहाँ पर है टिकट शॉप, भैया हमें टिकट दो। तो हमने टिकट भी ले लिए। तो चलिए हम जाते हैं अभी अंदर। यहाँ पर मैंने चार मैप्स लगाए टेंपल के, वो साफ नहीं आए, पर मैंने ट्राई किया था वैसा करने के लिए। तो ये देखें, ये जो है ये राजमाता जीजाबाई ने बनाया, इसलिए इस द्वार का नाम है राज माता जीजाबाई शाही द्वार। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक कल्लोर तीर्थ है, तो इसमें जाकर फिर लोग नहाते हैं और फिर देवी के दर्शन लेकर उसकी प्रदक्षिणा लेते हैं पूरे के पूरे मंदिर की। इस अग्निकुंड से दर्शन लेकर प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये है अग्निकुंड। तो यहाँ पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर जो शादी हुए हुए लोग होते हैं वो यहाँ पर, वो जागरण गोंधड़ बोलते हैं उसे, वो यहाँ पर करते हैं। तो हम शॉर्टकट से भी जाएंगे, तो पहले हम मेन डोर से जाएंगे। तो हम टिकट से यहाँ पर देनी पड़ेंगी। ये लो टिकट। तो हमने इनको टिकट दी। तो अभी अंदर जाते हैं हम। यहाँ पर एंट्री, तो वहाँ पर सेम ऐसा है पर वो ज़रा बड़ा है, मैंने ये छोटा बनाया है। वहाँ पर वैसे लोग ज़मीन के नीचे ही जाकर मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर एक शिव जी का टेम्पल है जिसका नाम है भवानी शंकर टेम्पल। तो अभी हम पहुँच गए हैं। तो ये है भवानी शंकर जो देवी के सामने है। यहाँ पर नवरात्र में यहाँ पर देवी को इस पलंग पर सुलाया जाता है। तो ये है माँ तुलजा भवानी की मूर्ति, ये देखिए। आपको ये मूर्ति अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी। अरे हम बंद हो गए अभी यहाँ पर, ये दरवाजा तोड़ कर ही जाते हैं हम। तो अभी हम बाहर आए हैं। तो यहाँ पर पीछे भी कुछ मंदिर है, तो उन्हें में भी जाते हैं हम। ये है रेणुका माता टेम्पल। ये रेणुका माता की मूर्ति है और उनके हाथों में त्रिशूल है। और यहाँ पर है खंडोबा टेम्पल और यहाँ पर है दत्त मंदिर। ये मूर्ति मैंने जरा अलग टाइप की बनाई है। ये दत्त त्रिमुखी तो है पर उनके छः बाकी के पांच हाथ में, पांच हाथ नहीं बनाए, मतलब चार हाथ नहीं बनाए, दो हैं पर एक ही हाथ में मैंने वो बनाए हैं। तो अभी हम, मैंने ये चिंतामणि पत्थर बनाए हैं। इस पर लोग एक सिक्का रखते हैं और इसको हाथ रखते हैं। जब है दाई बार घूमता है तो हमारी इच्छा पूरी होती है, और बाई तरफ घूमता है तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। तो हमने मंदिर प्रदक्षिणा की है, तो अभी हम यहाँ पर आरती करते हैं। वहाँ पर लोग दत्त मंदिर के पास भी करते हैं पर यहाँ मेन आरती करते हैं। तो हम अभी आरती करेंगे। जय देवी, जय देवी, जय तुलजा भवानी माता।
दुर्गे दुर्गट भाजीत विन संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ही वारी जन्म मरनाते वारी हारी पड़लो आता संकट निवारी विजय देवी जय महिषासुर मर्दिनी सर्वरीश्वर वर्धिता रक्ष संजीवनी जय देवी जय देवी। तो हमने आरती भी कर ली और ये था आज का हमारा तुलजापुर का सफ़र। तो अभी हम अप व्यू देखते हैं। ये मैंने माइनक्राफ्ट कुछ दिनों पहले डाउनलोड की थी तो मैंने उसमें ये पहला टेंपल बनाया है। आज ही वो टेंपल पूरा हो गया। मैंने इसका काम 3 दिन पहले ही चालू किया था। ये फ्लैट वर्ल्ड में मैंने ये सब कुछ बनाया। ये सेम टू सेम वैसा ही है मैप, वहाँ से बाहर आते हैं लोग, वहाँ से भी जाते हैं अंदर, पर हमको मेन रोड ये है इसलिए हम यहाँ से गए। ये मेन जो बड़ा वाला टेंपल है वो तुलजा भवानी माता का, यहाँ पर वो पलंग ये, और यहाँ भवानी शंकर। तो अभी हम नीचे चलते हैं। अरे हम फिर से जाना पड़ेगा मंदिर में, हम देवी को हल्दी कुम। तो ये फिर से हम जाना पड़ा हमको क्योंकि हम देवी को हल्दी कुम को चढ़ाना ही भूल गए। तो हम देवी को हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं। तो हमने देवी को हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया है देवी के चरणों पर। नवरात्र के कुछ दिन पहले वो निद्र कला दिवस होता है तो वो देवी को उस पलंग पर बाहर सुला देते हैं। तो हम फिर से बाहर आते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ। आपको ये टेंपल और ये मूर्ति, ये शाही द्वार और ये सब डेकोरेशन, ये सिंपल ही डेकोरेशन ही है, आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और वो पीछे के 3 मंदिर और वो श्री दत्त गुरु की मूर्ति अच्छी लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।